नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही भारी और दुखी मन के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है फ्रेंड, क्योंकि कभी भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो बनाने का मौका मिले, लेकिन मजबूरी है, बनाना पड़ता है ताकि और कोई स्टूडेंट ऐसी घटना ना कर ले, सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक हृदय विदारक घटना सामने आ रही है फ्रेंड, जिसका कि हेडलाइन है, नौकरी नहीं मिलने से परेशान था छात्र, माँ की साड़ी से फंदा बनाकर लगा ली फांसी। 2 साल से प्रतियोगी परीक्षा की कर रहा था तैयारी। देखेंगे फ्रेंड डिटेल में, आप सभी को अभी जानने का मौका मिलेगा कि आखिर पूरा मैटर क्या था। ओके, ये आपके सामने वो कंप्लीट न्यूज़ है फ्रेंड, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में छपी है, रांची एडिशन में 8/12/2021 को। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्राइम रिपोर्टर रांची नगड़ी। नगड़ी के भंडारा टोली में रहने वाला एक छात्र सोमवार की देर शाम अपने घर में माँ की साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम अभिषेक तिर्की है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। अभिषेक वर्ष 2019 में डोरंडा कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। आगे इस न्यूज़ में लिखा हुआ है, स्नातक पूरा होने के 2 वर्ष बाद भी जब कहीं नौकरी नहीं लगी, जिससे वह तनाव में था और सोमवार को फांसी लगा ली। मृतक का चचेरा भाई कमल तिर्की ने बताया कि स्नातक डोरंडा कॉलेज से किया था। मृतक अभिषेक 2 भाइयों में बड़ा था। शुरू से ही दोनों भाई पढ़ाई को लेकर काफ़ी गंभीर रहते थे। माँ फुलमनी तिर्की HEC में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं। पिता संदीप तिर्की फॉरेस्ट विभाग में गार्डनर का काम करते हैं। ऐसे में दोनों भाइयों की पढ़ाई में आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि मैट्रिक में अच्छा अंक नहीं मिलने की वजह से अभिषेक तनाव में रहने लगा था। छोटा भाई आदित्य तिर्की BIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आगे भी देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, रिश्तेदार के घर रिसेप्शन में गए थे माता पिता। मृतक के चाचा शशि तिर्की ने बताया कि अभिषेक की माँ फुलमनी तिर्की और पिता संदीप तिर्की एक रिश्तेदार के घर रिसेप्शन में शामिल होने सतरंजी गए हुए थे। वहां से रात लगभग 8 बजे घर लौटे तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। हालांकि अभिषेक ने कुंडी बंद नहीं की थी। ऐसे में अभिषेक की माँ फुलमनी जब कमरे में जाने के लिए धक्का दी तो दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद वह साड़ी के फंदे के सहारे अपने बेटे का सब झूलता देख शोर मचाते रोने लगे मचाते रोने लगी। अभिषेक को नज़दीकी अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स में डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उमंग स्टडी का आपसे हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक अनुरोध है। आप कहेंगे तो उमंग स्टडी आपके पैर पकड़ लेगी। कृपया आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आप लोग ऐसा स्टेप्स लेते हैं तो फिर उमंग स्टडी जो भी प्रयास करती है, ऐसा लगता है वो प्रयास पानी में जा रहा है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, अरे लाइफ में समस्याएं आएंगी जाएंगी। समस्याएं ना एक्चुअली लाइफ का पार्ट है, इसको लोग समझ नहीं पाते। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। ये लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे ना, ये लाइफ आपका जो है ना कांस्टेंट हो जाएगा। आप देखना, किसी का भी जब लाइफ कांस्टेंट हो जाता है ना, तो फिर लाइफ में मज़ा नहीं रहता है। आप कितना भी कुछ भी अचीव कर लो, जब ये अचीव कर लोगे फिर उसमें आपके सामने नए तरह का प्रॉब्लम्स आएंगे। तो लाइफ हमेशा मतलब कि इस तरीके से चलता है, कभी अप्स आएंगे कभी डाउन आएंगे, कभी अप्स आएंगे कभी डाउन आएंगे। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ नए तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर आप नीचे आओगे, फिर यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, फिर आप ऊपर उठोगे। तो लाइफ इस तरीके से चलता है। आप लोग हमेशा ऐसा क्यों सोच लेते हैं, यही आपके पास एक स्टेप है। इसलिए आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं आप उनको समझाएं, आप उनको मोटिवेट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।